देश में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में बड़े बदलाव की आहट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी की जा रही। इस बारे में जल्द ही बिल सदन में पेश हो सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में भारतीय सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा संपत्ति। पूरे भारत में आंकड़ों पर गौर करें तो 8 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। इसमें भी उत्तर प्रदेश इस मामले में देश में नंबर वन आता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मथुरा की शाही ईदगाह से लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, लखनऊ का ऐशबाग ईदगाह और यहां तक कि लखनऊ का राजभवन भी वक्फ संपत्ति है। यहां पर सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, वहीं शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग अपनी जमीन वक्फ को दान कर देते हैं। इससे बोर्ड की दौलत में लगातार इजाफा होता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि वक्फ नाम अरबी भाषा के वकूफा से आया है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी कि ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है लेकिन मुस्लिम समाज से संबंधित, वो वक्फ की जमीनें होती। इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार आदि शामिल। देश के आजाद होने के बाद 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार पारित हुआ। वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। वक्फ की जमीनों के गलत इस्तेमाल को रोकने और जमीनों की गैर कानूनी तरीके से बेचने के लिए इसका गठन किया गया था। वक्फ का काम देखने वालों को मुतल्लबी कहा जाता है। 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद वक्फ के तौर पर दर्ज की गई सार्वजनिक संपत्तियों का रिव्यू कर रही है। साल 1989 में जारी किए गए एक गलत आदेश के आधार पर बंजर, ऊसर आदि सार्वजनिक संपत्तियां वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज कर दी गई। यह आदेश राजस्व कानूनों और वक्फ अधिनियम दोनों के खिलाफ था। 33 साल पुराने इस शासनादेश को रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि लोकसभा मानसून संसद सत्र में मौजूदा कानून में 40 से अधिक बदलावों के साथ संशोधन लाया जा सकता है, इसी चर्चाएं हैं। केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने की तैयारी की। जो संशोधन प्रस्तावित है उनमें वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर नकेल कसी जाएगी। वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। उन संपत्तियों का भी अनिवार्य वेरिफिकेशन प्रस्तावित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए। सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधन की भी वजहों का जिक्र किया गया है जिसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। चूंकि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है, लेकिन संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड की अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके, राजस्व की जांच हो सकेगी। नए बिल में ये प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल की सदस्य नहीं। नए संशोधन में जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां कोई ट्रिब्यूनल में जा सकेगा जो अब तक नहीं था। ये संशोधन विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश हो सकते हैं। वक्फ एक्ट की धारा 19 और 14 में बदलाव होगा। इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव संभव। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अब अपील भी की जा सकेगी। ये प्रावधान अब तक नहीं था। आपको बता दें देश भर में एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है जिनमें मोदी सरकार द्वारा बड़े बदलाव करने की तैयारी कर ली गई। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन। नमस्कार।